तो हेलो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड ट्रेंड कर रहा है। तो इस टाइप का वीडियो आप लोग भी क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे मवाल मचा सकते हो यार। तो ऐसा वीडियो इफेक्ट डालने के लिए अपने वीडियो पे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना फ्रेंड, तो पूरा समझ जाएंगे आप लोग। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और बिफोर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का वीडियो था और कुछ इस टाइप का वीडियो हो गया है, तो बहुत ही बवाल टाइप का लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को लाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से। तो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को साइज क्रिएट कर लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो सबसे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस प्लस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड मीडिया पे चले जाना है, दूसरे नंबर पे। मीडिया पे जाने के बाद आप लोगों को वो वीडियो ऐड कर लेना है जो अपना वीडियो आप लोग इफेक्ट डालना चाहते हो। तो हम ऐड कर लिए हैं फ्रेंड। ऐड करने के बाद क्या करना है, वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आप लोग को, एम आर जी बी यहाँ पर सर्च करना है। तो सबसे ऊपर के ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को ये बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड, इसको वाई कर देना है। वाई करने के बाद आर जी बी रैम पर क्लिक कर देना है। दोबारा से एक इफेक्ट और आप लोग को ऐड कर लेना होगा, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो आप लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्टर वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको भी आप लोग को लगा देना है। तो हम सर्च कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग को इसको भी कर लेना है। इतना करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है और अपने हिसाब से आप लोग कलर लगा सकते हैं। तो 12.0 पे कर लेना है। इसको भी बता देते हैं आप लोग को कितना पे कर लेना है। इसको भी फ्रेंड 1.22 पे कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है, वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आप लोग को, प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर होगा आप लोग का पीला, पीला कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको बढ़ा देना है और अपने पूरे वीडियो में लगा देना है। तो ये तीर वाला ऑप्शन जो मिलेगा ना, इस पर बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप लोग को ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आने के बाद क्या करना है आप लोग को, डिफरेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है फ्रेंड। डिफरेंट वाले ऑप्शन पर आने के बाद तीसरे नंबर पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को दोबारा से तीर वाले ऑप्शन से बैक जाना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ से ऐड इफेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कॉपी बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। तो कॉपी बैकग्राउंड सर्च कर लेना है, तो इस पर क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और एक इफेक्ट और आप लोग को ऐड कर लेना है, उसका नेम है फ्रेंड एक्सपोजर गामा और गसियन ब्लर। तो पहले गसियन ब्लर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गसियन ब्लर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग इसको भी कर लेना है और एक इफेक्ट और ऐड कर लेना है जो आप लोग को पहले बताए हैं एक्सपोजर गामा। तो सर्च कर लेते हैं। एक्सपोजर गामा स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले गसियन ब्लर पे क्लिक करना है और इसको मैनेज कर देना है। 0.140 पे कर देना है गसियन ब्लर पे क्लिक करके, फिर एक्सपोजर गामा पे क्लिक करना है। तो क्या करना है, इसको भी कुछ अच्छे से बैठा लेना है एंड अच्छे से लगा देना है। तो 0.32 पे कर लेना है और इसको भी अच्छे से लगा देना है फ्रेंड। तो
इसको भी आप लोग को 0.885 पे कर लेना है। और इसको भी बता देते हैं आप लोग को कितना करना है, 5 पे कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग को कलर सेलेक्ट कर लेना है, सफ़ेद कलर सेलेक्ट करके अपने वीडियो में पूरा लगा लेना है फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से फिल्टर लगेगा। बस वीडियो में बने रहिए। दोबारा से बैक जाना है फ्रेंड, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंट्रास्ट पे क्लिक कर देना है और पहले नंबर पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ से लाइट आप लोग का ज़्यादा होता है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो लाइट अच्छा है। तो इतना करने के बाद क्या करना है, एक इफ़ेक्ट और आप लोग को लेना है, अपने वीडियो पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, सिंपल करके सर्च कर लेना है। सिंपल वाला इफेक्ट और स्टैंडर्ड सेटिंग पे कर देना है। इतना करने के बाद आपका इफेक्ट लग जाएगा। आपको आपके वीडियो में पूरा फिल्टर नहीं लगा है, यहीं तक लगा है, तो सबसे लास्ट में वीडियो के चले जाना है। लास्ट में आने के बाद इसको ऐसे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर भी टिक कर देना है, इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, दोनों पे टिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है, तो फिल्टर आपके पूरे वीडियो में लग जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो चला के आप लोग को दिखा देते हैं। तो यार गाइस, आप लोग को वीडियो सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे ऊपर चले जाना है। आने के बाद यहाँ से वीडियो पे सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ।